गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन टुडे वी विल रीड एट चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक एंड द चैप्टर इज आवर क्लॉथ्स. चिल्ड्रेन इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट नीड फॉर क्लॉथ्स. हम लोगों को क्लॉथ्स की ज़रूरत क्यों होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सीजन, हर सीजन के इसी के हिसाब से अलग अलग तरह का जो क्लॉथ्स है जो हम लोग पहनते हैं वो सारे क्लॉथ्स कौन कौन से हैं, और केयर ऑफ क्लॉथ्स अपने कपड़ों का ध्यान कैसे रखना चाहिए. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर यू हैव टू मेक दिस इन योर बुक. क्या करना है इसमें आपको, क्या करना है, नेम द क्लॉथ शोन इन द पिक्चर्स. इन सारे पिक्चर्स में जो क्लॉथ्स है उनका नेम, नाम बताना है, और उसके बाद उसको कलर करना है. और क्या करना है, यूज क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर. स्केच पेन यूज नहीं करना है, क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर यूज करना है, उससे अच्छा कलर आएगा. ओके, तो ये तो ईजी है आप लोग के लिए, ये आप लोग खुद से कर सकते हो. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस. ओके, नाउ रीड द चैप्टर. अब क्या है, नीड फॉर क्लॉथ. देखते हैं सबसे पहले हम लोग को कपड़ों की जरूरत क्यों होती है, तो हम लोग क्यों पहनते हैं, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स. देखिए सिंपली है ना, वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम लोग जो है अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्लॉथ पहनते हैं. और उसके बाद क्या जरूरत होती है क्लॉथ्स की, क्लॉथ्स क्या करता है, हम अपने बॉडी पर क्लॉथ्स को पहनते हैं तो क्या उससे किसी चीज से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है ना, है ना. हम लोग को हीट से, रेन से, डस्ट से, कोल्ड से, है ना, सबसे ज्यादा तो कोल्ड से हम लोग को सारी चीजों से जो है क्लॉथ जो है वो प्रोटेक्ट करता है. क्लॉथ क्या है, क्लॉथ्स आर आवर बेसिक नीड, जैसे फूड, वाटर और हाउस होता है ना, जिंदा रहने के लिए हम लोग को जरूरी, उसी तरह से क्लॉथ्स भी है हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है. क्लॉथ्स हेल्प अस टू कवर अवर बॉडीज. क्लॉथ जो है हमारे शरीर को, हमारे बॉडीज को ढकने में हेल्प करता है. ठीक है, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. क्लॉथ्स क्या करते हैं, हमारे हमको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, रेन से, बारिश से. बारिश में अगर हम लोग रेन कोट पहन करके निकल जाते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है प्रोटेक्ट रहता है, हम लोग वेट नहीं होते हैं. ठीक है, क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. क्या होता है, अच्छे अगर क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, क्लीन और अच्छे यूनिफॉर्म हम लोग पहनते हैं, या फिर आप स्कूल ही यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, क्लीन रहता है और वेल आयरन रहता है, तो आपको क्या, आपकी आपकी तारीफ होती है ना, आपको डांटा नहीं जाता यूनिफॉर्म के लिए, आप स्मार्ट लगते हो दिखने में. ठीक है, तो अच्छे क्लॉथ जो है वो आपको अच्छा दिखाते भी है ना, स्मार्ट बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो क्लॉथ क्या करते, चार काम करते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन. सन का जो हीट है जो हमारे बॉडी पर नहीं लगता है, हम लाइट कलर के कपड़े समर सीजन में पहनते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रहता है ना, सन रेज हमारे बॉडी पर डायरेक्ट नहीं लगता है. ठीक है, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. ठंड में, ठंड में हम लोग किस तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं, वुलन क्लॉथ, वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारा बॉडी जो है ठंड से बचा रहता है. अगर नहीं पहनेंगे ठंड से तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, ठंड लग जाएगी, है ना. और क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. देखो रेन कोट में जैसे गम बूट्स है, कौन कौन से क्लॉथ्स है, गम बूट्स है, रेन कोट है, अम्ब्रेला, ये सारे जो क्लॉथ्स है वो हम लोग को रेन से प्रोटेक्ट करते हैं. और क्लॉथ हम लोग को मेक अस लुक स्मार्ट. क्लॉथ हम लोग को स्मार्ट भी बनाता है ना. अब आ जाओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ. अच्छा, क्लॉथ जो है डिफरेंट टाइप्स का देख लो, यहाँ पर एक पिक्चर से क्लॉथ देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ समर सीजन का है. कैसे समर सीजन में ये जो गर्ल्स है छोटे क्लॉथ्स पहनी हुई है ना, लाइट कलर्ड है. उसके बाद रेनी सीजन का क्लॉथ है. ठीक है, ये समर सीजन का है, पुल अप जैकेट है, वार्म पैंट है, ये सारा. ठीक है, अच्छा ये जो क्लॉथ्स के लिए जो कपड़े हम लोग को मिलते हैं ना, थ्रेड जिसको बोलते हैं, थ्रेड धागा, एक तो कॉटन, कॉटन प्लांट से मिलता है, कॉटन रुई, और एक वूलन जो हम लोग को शीप से मिलता है. ठीक है, और क्या है, सिल्क, सिल्क, ये इन सारी चीज़ों से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे क्लॉथ्स को बनाया जाता है. पहले इनसे थ्रेड बनाया जाता है, उससे बड़े बड़े पीसेस ऑफ क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, और इन क्लॉथ्स को बना करके फिर उनसे आपके साइज का क्लॉथ्स कट करके उसको स्टिच किया जाता है, सिया जाता है. जैसे कि देखो वूल्स,
वुलन क्लॉथ हम लोग को कहाँ विंटर सीजन में काम आता है, ठीक है, और समर सीजन में हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और वूल हम लोग को कहाँ से मिलता है, शिप से मिलता है, ठीक है ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के क्लॉथ होते हैं, अलग अलग तरह के क्लॉथ जो हम अलग अलग सीजन में पहनते हैं। जैसे कि वी वेयर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर सीजन, हम लोग गर्मी के मौसम में कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन, कॉटन जो रुई के बने होते हैं ना, रुई से जो थ्रेड निकलता है, धागा निकलता है, उससे फिर क्लॉथ का पीसेस बनाया जाता है, वो कपड़े बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, उनसे गर्मी कम लगती है, वो हमारे बॉडी को थोड़ा हल्का कूल रखते हैं, ठीक है। तो और ये कॉटन जो है हम लोग कहाँ से मिलता है, कॉटन कॉटन प्लांट से मिलता है, और ये है कॉटन कपड़े जो है लाइट होते हैं, ठीक है, और लाइट कपड़े हम लोग समर में गर्मी में पहनते भी हैं। वूलन पहन लेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, है ना, हम लोग पहने नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वी वेयर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं विंटर सीजन में, कौन से वूलन क्लॉथ पहनते हैं, वूल के जो ऊन के बने होते हैं, जो हम लोग को वूल शीप से मिलता है, भेड़ से मिलता है, वो वूल, उससे वूलन क्लॉथ बनाया जाता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है, ठंड से बचाता है, ठीक है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, और हम लोग को वूल कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है। अब क्या है, वी वेयर रेनी रेन कोट्स गम बूट्स एंड कैरी अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स, अब जब बारिश होती तब हम लोग क्या, अब घर से बाहर निकलना होता तो क्या पहन के निकलते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, रेन कोट रहते हैं, गम बूट्स लेते हैं, ताकि हम लोग वेट ना हो, बारिश में भीगने से क्या होता है, आदमी बीमार पड़ जाता है, तो बीमारी से बचने के लिए हम लोग अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं हर तरह के कपड़ों से। डिफरेंट डिफरेंट सीजन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ पहन करके अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लॉथ्स का यही काम होता है, हमें हर चीज से बचाता है ना। क्या है स्टूडेंट्स, वी वेयर लूज क्लॉथ्स व्हेन वी गो टू बेड एट नाइट, जब हम लोग रात को बेड पर जाते हैं तब हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, लूज कपड़े, ढीले कपड़े पहनते हैं, ताकि हम लोगों को आराम मिले, रिलीफ मिले, और हम लोग अच्छे से सोए, है ना। जैसे कि अगर हम लोग पार्टी वेयर ड्रेस है, अगर रात में पहन के सोएंगे तो उसमें वर्क होता है, वो आपको चुभ सकता है ना, कंफर्टेबल नहीं फील करोगे आप, तो इसलिए रात को जो सोने टाइम है वो लूज कपड़े, ढीले कपड़े पहन के सोने चाहिए। अब क्या है, वी वियर आवर यूनिफॉर्म वेन वी गो टू स्कूल, पुलिस डॉक्टर नर्सेज एंड फायरमैन ऑल्सो वियर देयर यूनिफॉर्म्स, हम लोग जब स्कूल जाते हैं तब क्या पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तभी लगता है कि हम स्टूडेंट्स। अगर आप होम ड्रेस में घर के कपड़े पहन करके बैग लेकर के जाओगे तो आपको कोई स्कूल में कोई अच्छा बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। आप अगर वेल ड्रेस जाओगे, यूनिफॉर्म पहन करके, क्लीन यूनिफॉर्म होगा आपका, और आयरन होगा यूनिफॉर्म, तो क्या होगा, सब आपकी तारीफ करेंगे, है ना, आपको एक गुड स्टूडेंट बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लोगों के जैसे ही, जैसे हम लोग स्कूल में पहन करके आप लोग जाते हो ना स्कूल यूनिफॉर्म, उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने वर्क पर, अपने जॉब पर जब जाते हैं ना काम करने के लिए, तो अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। जैसे कि पुलिसमैन को देखा है ना, पुलिसमैन का एक स्पेशल ड्रेस होता है, वो यूनिफॉर्म कहते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म कहते हैं। पोस्टमैन का स्पेशल यूनिफॉर्म होता है, और किसका होता है, नर्स का होता है, डॉक्टर का होता है ना, इंजीनियर का होता है, और किसका, आर्ट आर्किटेक्चर का होता है, सेलर का होता है। जैसे देखो मैं आपको पिक्चर्स में दिखा रही हूँ, देखो है ना, बिजनेस मैन है, वुमेन है, एक घर में जो वुमेन रहती है वो सिंपल ड्रेस पहनती है। देखो डॉक्टर है, डॉक्टर का यूनिफॉर्म अलग होता है। देखो सेलर, जहाजी है, उसका यूनिफॉर्म अलग है। सोल्जर है, पुलिसमैन है, सर्जन है, सबके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ होते हैं, सब अपने अपने काम के हिसाब से भी अपने कपड़े पहनते हैं, तो इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म, अगर सिंपली यूनिफॉर्म को हमको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, व्हेन पीपल वर्क स्पेशल क्लॉथ ऑन देयर वर्क, है ना, जब लोग जो है अपने काम पर एक स्पेशल क्लॉथ पहनते हैं, देन दैट क्लॉथ इज कॉल्ड देयर यूनिफॉर्म, और उस क्लॉथ को क्या बोलते हैं, उनका यूनिफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वी वेयर स्पेशल क्लॉथ फॉर फेस्टिवल एंड ओकेजन, हम लोग कोई भी फेस्टिवल, त्यौहार होता है, या फिर कोई भी अवसर होता है, शादी होता है घर में, या फिर कोई भी फंक्शन होता है, तब तो हम लोग क्या पहनते हैं, स्पेशल क्लॉथ पहनते हैं ना, पार्टी वेयर क्लॉथ पहनते हैं, जिससे हम लोग ब्यूटीफुल स्मार्ट लगते हैं देखने में, ठीक है।
अब क्या है, जैसे कि क्लॉथ जो है हम लोगों को कई चीजों से प्रोटेक्ट करता है। आप लोगों ने तो देखा सन से, हीट, सन के हीट से, कोल्ड से, रेन से, बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, डस्ट से। तो हम लोग का भी तो काम है ना कि अपने क्लॉथ्स को प्रोटेक्ट रखे ताकि वो हमको अच्छे से प्रोटेक्ट करे। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स एवरीडे। हम लोग हर रोज क्लीन क्लॉथ पहनना चाहिए हम लोगों को। तो क्लीन साफ कपड़े पहनने के लिए कपड़ों को तो साफ भी करना पड़ेगा ना, खुद से तो कपड़े वॉश नहीं हो जाएंगे, उसको हम लोगों को ही वॉश करना पड़ेगा। तो वी शुड वॉश अवर क्लॉथ विद अ गुड डिटर्जेंट एंड वाटर। हम लोगों को अच्छे सर्फ से, अच्छे डिटर्जेंट से और पानी से अपने क्लॉथ्स को हमेशा वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, वी शुड ड्राई देम प्रॉपरली और उसको अच्छे से सुखाना चाहिए। वी शुड आयरन आवर क्लॉथ एंड कीप देम प्रॉपरली। हम लोगों को अपने कपड़ों को आयरन करना चाहिए सही से और उसको अच्छे से रखना चाहिए ताकि हमारे कपड़े जो हैं वो अच्छे से रहें, ज़्यादा दिन चले और हमको भी प्रोटेक्ट कर सके, जिससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट जोन में क्या लिखा है, द फाइव मोस्ट कॉमन क्लॉथिंग मटेरियल्स आर लिनन, नायलॉन, कॉटन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन। ये पांच तरह की जो फाइबर होते हैं इनसे हमारे क्लॉथ्स को बनाया जाता है। इनके बारे में आप आगे जाओगे ना क्लास में, तब आप इनके बारे में सारी चीजें डिटेलिंग से जानोगे कि ये कौन कौन से फाइबर होते हैं, लिनन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है, ये सब आपको आगे की क्लास में समझाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक वन वर्ड छोटा सा वर्क है आपको फिल करना है और बहुत ही इजी है ये। क्या करना है, फर्स्ट में है दे कवर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को कवर करते हैं। कौन करते हैं हमारी बॉडी को कवर, तो जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर ही था तो वही करता है। आपको ये उतने से लिखना है, आई विल नॉट टेल आंसर टू यू। ठीक है, नंबर टू, क्लॉथ्स वी वियर व्हेन इट इज कॉल्ड, कपड़े जो हम लोग पहनते हैं जब ठंड होती है, कौन से कपड़े हम लोग पहनते हैं जब ठंड होती है, तो ये भी आपको खुद से लिखना है आंसर। नंबर थ्री, प्लांट दैट गिव अस कॉटन, वैसे प्लांट्स जिससे हम लोगों को कॉटन मिलता है उस प्लांट को क्या बोलते हैं, तो ये भी मैंने अभी बताया था वीडियो में। अगर आप लोगों ने एक बार में नहीं सुना होगा तो आप दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके सुन लेना। ठीक है, नंबर फोर, एनिमल दैट गिव अस वूल, एनिमल्स जो हम लोगों को वूल देते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस एनिमल्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उस एनिमल्स का नेम लिखना है यहाँ पे। यू हैव टू मेक दिस क्वेश्चन राइट नाउ इन योर क्लास वर्क कॉपी एंड सेंड इट टू मी।